मिलने पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सीसीएल बीसीसीएल के अधिकारी भी पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायकों की बैठक समाप्त हो चुकी है। जल्द होगी बोर्ड आयोग निगम की घोषणा। ओबीसी आरक्षण 27% करने पर हुई है चर्चा। विस्थापन आयोग पर हुई है बात। घोषणा पत्र की अहम घोषणाओं को पूरा करने पर सहमति बनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तय। तो ये तमाम चीजें और खासकर कांग्रेस विधायकों की बैठक समाप्त हो चुकी है चूंकि, तो जल्द होगी बोर्ड आयोग निगम की घोषणा। इसके साथ ही जानकारी आपको दे दे, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर चर्चा हुई है, विस्थापन आयोग पर बात हुई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सीसीएल बीसीसीएल के अधिकारी भी इस दौरान पहुंचे हैं और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तमाम सूचनाओं पर उनसे चर्चा कर लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विपिन, एक तो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी मिलने पहुंचे हैं, सीसीएल बीसीसीएल के अधिकारी भी पहुंचे हैं, एक इस पर जानकारी दे दीजिए हमें। और कांग्रेस विधायकों की बैठक समाप्त हो गई, क्या कुछ निर्णय इस बैठक के बाद लिया गया है, जानकारी दे। देखिए, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अध्यक्षता में उनके आवास में हुई थी और उसमें जिन विषयों को कांग्रेस के विधायकों ने उठाया था उन तमाम विषयों को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अगुवाई में कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। और इस बैठक में अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है उसके तहत जो कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण 27% करने को लेकर लगातार आंदोलनरत थी तो उस विषय पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है कि ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर राज्य में 27% कर देना चाहिए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में रहा है विस्थापन का, तो विस्थापन जैसे मसलों को सुलझाने के लिए राज्य में विस्थापन आयोग के गठन पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो भाषा विवाद बीच में उत्पन्न हुआ था उस भाषा को भी इस तमाम जो जिनको हटाया गया उन्हें फिर से जोड़े जाने की बात कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। इसके अलावा जिस तरह से अगर बात की जाए तो 2 सालों से कई बोर्ड निगम और आयोग खाली पड़े हैं तो इसमें इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है कि जो महत्वपूर्ण बोर्ड निगम और आयोग हैं उनका गठन बहुत जल्द कर लिया जाएगा, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, सूचना आयोग की बात करें या फिर कई महत्वपूर्ण जो बोर्ड और निगम है, चाहे जीएसएमडीसी हो, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का पद भी काफी दिनों से खाली पड़ा है, तो इसमें इन तमाम बोर्ड निगम आयोग में जल्द जो है अध्यक्ष मनोनीत की जाएगी सरकार की तरफ से, 20 सूत्री का गठन जल्द हो इस पर भी विधायकों ने जोर दिया है। और साथ ही साथ जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव झारखंड में होने हैं उस चुनाव को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि गठबंधन की सरकार राज्य में चल रही है तो गठबंधन में सब कुछ सामान्य तरीके से चले इसको लेकर झारखंड में जल्दी ये जो गठबंधन है ये अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है बनाएगा और इसके लिए नेताओं को अधिकृत मुख्यमंत्री ने किया है। कांग्रेस राजद और जेएमएम के नेता मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो राज्य के लिए बनाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रोजगार के मसले पे भी चर्चा हुई है, विधायकों का मान सम्मान जो है अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह से कुंठित ना हो उस पर भी चर्चा हुई है, तो काफी एक सार्थक बैठक इसे बताया जा रहा है। और जिस तरह से बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम या फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिन बातों का उल्लेख किया है कि बैठक में रोजगार जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि जिस तरह से कल के कैबिनेट में लगभग 14 विभागों से अधिक के संवर्ग नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है उसके बाद तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पदों पर फिलहाल तत्काल जो सरकार है वो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है जिसकी घोषणा बहुत जल्द मुख्यमंत्री की तरफ से होनी। और चाहे बात करें राज्य के स्थापना दिवस से शुरू होकर राज्य की सरकार के गठन के 2 साल के उपलक्ष्य में मोराबादी में होने वाले 29 दिसंबर तक के कार्यक्रम की थी, इस दौरान जो सरकार आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलेगा उसमें भी किस तरह से जो यूपीए के विधायक हैं वो इंटैक्ट होकर सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में मदद करेंगे, योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे या फिर जो महत्वाकांक्षी योजनाएं झारखंड में चलाई जा रही है चाहे वो सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना हो,
या फिर मनरेगा के तहत जो यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है उसकी बात करें, या फिर जो किसानों की कर्ज माफी का मसला हो, अधिक से अधिक धान अधिप्राप्ति की बात हो जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, तमाम बिंदुओं पर आज की बैठक में चर्चा हुई है और एक सकारात्मक संदेश आज की बैठक के बाद गया है। और जिस तरह से जो बातें उभरी थी कि कुछ विधायकों की नाराजगी थी अपने ही सरकार के प्रति, वो नाराजगी अब शांत होती नजर आ रही है। तो काफी महत्वपूर्ण इस मायने में भी ये बैठक हो जाती कि मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को सुना है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा के वक्त तक ये बैठक चली और बैठक के बाद जो बॉडी लैंग्वेज था कांग्रेस विधायक दल के नेता या फिर प्रदेश अध्यक्ष का, वो दिखा रहा है कि जिन उम्मीदों के साथ कांग्रेस के लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, वो उम्मीद यहाँ पर बनती नजर आ रही है कि बहुत जल्द जो जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसका समाधान राज्य के मुख्यमंत्री राज्य में करने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो कांग्रेस विधायकों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक समाप्त हो गई है और बैठक में जो तमाम चीजों पर चर्चा हुई कि जल्द होगी बोर्ड आयोग निगम की घोषणा, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर भी चर्चा हुई है, विस्थापन आयोग पर बात हुई है, घोषणा पत्र की अहम घोषणाओं को पूरा करने पर सहमति बनी है। आरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण में अच्छी बात हुई है और हम लोग धीरे धीरे सब काम को कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो भी एलोन किया जाएगा। भाषा संबंधित जो भी बात उसका भी चर्चा हुई है और जो है कि विस्थापन का एक मामला है जो सब वर्षों से है उसका भी निष्पादन किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी जो हमारा पहला जो लक्ष्य है कि 15 नवंबर है उसको हम लोग ठीक से निष्पादन कर लें, और जो नियुक्ति का आज भी अखबार में निकला है करीब करीब 1 लाख लोगों को जो नियोजन किया जाएगा वो विषय का भी इसी बीच में हम लोग का जो है आरक्षण जो स्वचन का है वो भी निकल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक समाप्त हो गई है और जल्द होगी ओबीसी आरक्षण 27% करने पर चर्चा हुई है इस बैठक में, विस्थापन आयोग पर भी बात हुई है इस बैठक में, अहम घोषणाओं को पूरा करने पर सहमति बनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।